खगड़िया नगर में अतिक्रमण हटाने नगर परिषद एवं नगर थाना पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। ओवर ब्रिज से लेकर राजेंद्र चौक से बाजार में सड़कों पर लगी दुकानों को हटाया गया। शहर में फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को अधिकारियों ने चेतावनी दी। कार्रवाई के दौरान मना करने के बाद भी सड़कों पर लगाए गए ठेला एवं गुमतियों को जब्त कर नगर थाना भेजा गया। कार्रवाई में शामिल नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राजीव गुप्ता सहित नपकर्मी मौजूद दिखे। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि पहले जब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी तो सभी को आगे से सड़क पर दुकान नहीं लगाने के लिए मना किया गया था। सड़कों पर अतिक्रमण से जाम की समस्या उत्पन्न होती है, जाम से लोग परेशान होते हैं। बीएनपी न्यूज के लिए खगड़िया से संवाददाता संजीव कुमार की रिपोर्ट। होगा सभी आम लोगों से, दुकानदारों से, कि अगर आज के बाद अगर उन्होंने अतिक्रमण लगाया तो हम लोग धारा 188 के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे इस तरह से सड़क है लोगों के चलने के लिए, दुकान नहीं लगाने, तो ये ऐसा नहीं है कि प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं है, हम लोगों के ध्यान पूरी तरह इसके ऊपर है और जब जब ऐसा होगा हम लोग अतिक्रमण मुक्ति अभियान चलाएंगे। साथ ही वेंडिंग जोन भी बनाने की पूरी तैयारी है, बहुत ही जल्दी उनको वेंडिंग जोन में भी शिफ्ट किया जाएगा। इसके ऊपर नगर परिषद काफ़ी मुस्तैदी से और तेज़ी से काम कर रहा है। सर, कुंड में भी अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया था, आपने चलाया था और काफ़ी सड़क जो है पूरी तरीके से साफ हो गई थी, लेकिन फिर से फुटकर विक्रेता जो है वो लगातार शहर में जो है स्टेशन रोड में जाम की समस्या बनी रहती है, वो अपना स्टॉल लगाने लगे, तो इसको लेकर के उन लोगों के लिए क्या कुछ प्लान है सर? अभी जैसा मैंने कहा कि वेंडिंग जोन के लिए स्वीकृति विभाग से मिल चुकी है, उसका निर्माण कार्य भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। 2 से 3 महीनों में बिल्कुल उनको परमानेंट सभी को दुकान स्टॉल आवंटित हो जाएंगी, वो वहाँ पे जाकर ये काम कर सकते हैं। फिर से मैं कहूँगा कि सड़क लोगों के चलने के लिए, गाड़ियों के चलने के लिए, ना कि सड़क के बीचों बीच दुकान लगाने के लिए। अगर इस बार कुछ ऐसा होता है तो बहुत ही सख्त और जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। सर, राजेंद्र चौक पर ओवर ब्रिज पर जो ई रिक्शा लगाया जाता है जिसकी वजह से ज़्यादा जाम रहता है, उस पर क्या कुछ होगा? इसके बारे में भी DTO साहब से बात हुई है, अगला चरण इन्हीं लोगों का होगा। आज भी आपने देखा कि काफ़ी सारे ई रिक्शा वालों को पकड़ा गया है, किसी भी कई जगह आपने खुद देखा है कि नाबालिग बच्चे चला रहे हैं, तो ये बहुत ही नाबालिग बच्चे न केवल सवारी बल्कि सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए भी खतरा है, तो हर ऐसी चीज़ के ऊपर सर नो एंट्री के लिए कोई बोर्ड नहीं है, ना तो आज तक नियम बनाया गया है, किसी बकरी स्टेशन की बात करें चाहे बलवाई की बात करें, यातायात पुलिस बेहतर बता पाएगी, पर हम लोग अभी इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। एक शहर को सुंदर बनाने और उसके लिए जो भी प्रयास है वो हम लोग कर रहे हैं, एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिला पदाधिकारी महोदय भी हमेशा इस बारे में काफ़ी सजग होकर और हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि इस दिशा में भी और ये सड़क अच्छा बनाने की दिशा में काम होगा। राजेंद्र चौक से सटे हुए मुर्गा मंडी में बहुत गंदगी और जाने आने में बहुत महिलाओं को दिक्कत हो रही है, इसके लिए सर क्या कर रहा है? अभी भी है सर, हर जगह से अतिक्रमण मुक्त पहले अभी हम लोग आज करा रहे हैं मजिस्ट्रेट की नियुक्ति में, और इसके बाद फिर उनको एक नोटिस भी दिया जाएगा कि हमने अब नगर परिषद की जिम्मेदारी होगी कि इसके बाद से वो, हमने आज अतिक्रमण मुक्त करा दिया है, आप देख सकते हैं कि फिर से सड़कें बिल्कुल चौड़ी हैं, खुली हैं, अब इसके आगे की जिम्मेदारी संबंधित थाना और नगर परिषद। सर, मेन रोड और जो SDO रोड वहाँ लगातार जो है जो वाहन होते हैं वो वाहन मालिक लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, इसको लेकर के जाम की समस्या बनी रहती है दिन में, लेकिन हाँ दिन में भी लोडिंग अनलोडिंग नियम की अनदेखी करके, तो क्या जो वहाँ पे वाहन मालिक है तो उन लोगों पे क्या कुछ कार्रवाई का? आज आप सब ने खुद भी देखा है कि जो भी ऐसे अनलोडिंग का काम करने वाले दुकानदार थे उन सब के ऊपर भी कार्रवाई की गई है, ऐसे जो अवैध रूप से सड़क के बीचों बीच लगे हुए गाड़ी थे उनको जब्त करके थाना भेजा गया है, तो वहाँ पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। दुकानदारों से भी नगर परिषद के सदस्य जो कर्मचारी हैं वो जुर्माना वसूल रहे हैं, तो नियम के अनुसार जो भी है विधिक प्रक्रिया वो अपनाई जाए। सर, दुकानदार क्या कहते हैं? दुकानदार पूर्णतः अपना सामान दुकान के अंतिम जगह पर लगाते हैं, ग्राहक को खड़ा रहने का जगह नहीं मिलता, ग्राहक रोड पर खड़े रहते हैं, रोड पर बाइक लगाते हैं, इसको लेकर के क्या प्लानिंग होनी चाहिए? ग्राहक को सामान लेने के लिए भी एक जगह मिलनी चाहिए, तो फिर वो व्यवस्था कहाँ मिल पा रही है? जैसा अभी मैंने कहा कि वेंडिंग जोन बनाने की दिशा में भी कार्रवाई चल रही है बहुत तेज़ी में, आने वाले कुछ समय में नगर परिषद के भी यहाँ पे हैं अधिकारी वगैरह, वो बता सकते हैं कि कितने जल्दी वो पूरा कर लेंगे। हमें यह टास्क मिला है कि अपनी सड़क जमन हो जाए
और नगर परिषद के द्वारा जो वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है उसके भी जल्दी से जल्दी बनाने में उनकी मदद मिलेगी। धन्यवाद।